हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो बस मैं अपने घर में करी पूजा। शाम का टाइम हो गया था और तो मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ। और हमारे बगल में हो रही है रामायण, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर करिए। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा घर ऐसा ही बना हुआ है, अभी कुछ मेंटेन नहीं है और अभी कुछ व्यवस्था नहीं है, तो बस मैं अपने घर में हूँ और अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बस ये बाहर का है, तो बाहर अंधेरा था शाम को, तो वहीं पे मैं आरती कर रही थी और मैंने सोचा चलो शाम हो गई है तो चलो दिया जला देती हूँ। तो बस मैं पूजा करके निकली हूँ, अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह सब बनाना है। तो मैंने सोचा चलो बाहर भी दिए जला देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली कार्तिक पूर्णिमा तक एक दिया दीप दरवाजे पे जलाते हैं, तो बस वही मैं जला रही थी। मैंने कहा यहाँ अगरबत्ती लगा देती हूँ और दीपक जला दूँगी, पूजा कर दूँगी, इसके बाद फिर बाहर जाके दरवाजे पे दिए जला के ले जाऊँगी। और तो बस मैंने पूजा वूजा कर ली थी शाम को, इसके बाद मैं बना रही हूँ खाना। तो ये रात का खाना है और पूजा करने के बाद मैंने साड़ी बदल ली थी और वो जो पहले पहनी थी उसी वही साड़ी पहन ली थी, क्योंकि पूजा के लिए मैंने दूसरी साड़ी पहनी थी यहाँ पर रुके पूजा करने के लिए, तो बस वही पहन ली। और ठंडी लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया है। तो मैं बगल में मेरी दाल पक रही है, आप देख सकते हो कुकर में रखी हुई है दाल, तो मैंने दाल बना ली थी और अब बना रही हूँ, अब सेक रही हूँ रोटियाँ। तो बस इसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि सारा दिन लग ही जाता है कहीं यहाँ काम में पूजा इनके, तो इसीलिए परेशान रह थक गई थी। तो मैं सोचा कुछ नहीं बना रही सब्जी वगैरह, चलो दाल रख देती हूँ एक साइड, कुकर में दाल पकती रहेगी और दूसरी तरफ रोटियाँ सेक लूँगी तो बस खा लेंगे। तो वही मैं जल्दी से बना ले रही हूँ। इसके बाद बर्तन वगैरह भी धुलना पड़ता है, तो इसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुलेंगे। रात में काफ़ी रात हो जाती है, 10 तो बज ही जाते हैं इनकी, फिर मालिश करनी पड़ती है और सिकाई करनी पड़ती है, इसके बाद दवा वगैरह दे के फिर इनको उड़ा के लिटा देते हैं। इसके बाद फिर मैं खाना वाना खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, 2 दिन से बहुत टाइम निकाल रही थी कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और इस ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एंड भी हो जाएगा और आपको सब शेयर भी हो जाएगा। तो बस मैंने खाना वगैरह बना लिया था, सब लोगों ने खा लिया था, इसके बाद मैंने सोचा चलो बर्तन धुल देती हूँ। तो रात के बर्तन पूरे क्लीन करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो वही कर रही हूँ, तो मैं सोच, क्योंकि सुबह टाइम ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सुबह जल्दी से काम भी रहता है, क्योंकि 6 बजे जैसे 5 बजे उठे हम, तो 5 बजे उठ के इनका पानी वानी गर्मा के इनको ब्रश कराना पड़ता है, और इसके बाद खाली पेट वाली दवा देनी पड़ती है, इसके बाद सिकाई करनी पड़ती है, और फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो पहले इनके लिए नाश्ता बना देते हैं हम, अपने लिए बाद में बनाते हैं, झाड़ू वगैरह लगा के फिर इसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाते हैं हम लोग, तो बस टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा चलो शाम पे सारा काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह सब धुल के ऊपर चढ़ करके रख दूँगी और नीचे किचन भी साफ़ कर दूँगी, बस सुबह से काम में लग जाते हैं, वही जो डेली वाला काम है वही तो डेली का रूटीन बना हुआ है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार हो कितनी परेशानी रहती है सब लोगों को, तो बस ऐसे ही परेशानी रहती है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर समझिए मेरी परेशानी को और उसके लिए एक लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और ब्लॉग को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग एक लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, देखिए। हाँ जी, तो बस मैं